ॐ श्री गुरुवे नमः। प्रिय पाठकों, यह आपका जपी सर विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ के परम पावन धाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, उनके इतिहास से संबंधित जीवन पर कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। भगवान परशुराम जी का संक्षिप्त परिचय। भगवान परशुराम जी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राम भद्र, अनंत राम, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी व जमदग्न आदि नामों से जाना जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। आपके पिताजी का नाम ऋषि जमदग्न था, जो सप्त ऋषियों में से एक हैं। आपकी माताजी का नाम श्रीमती रेणुका देवी था। भगवान परशुराम जी के दादाजी का नाम ऋचिक था, जो प्रख्यात संत भृगु के पुत्र थे, और भृगु के पिता का नाम च्यावड़ा था। आपके चार भाई थे, वासु, विश्वावासु, विवधेनु, वृत्वकन्नु। इस प्रकार महर्षि जमदग्नि के पांच पुत्र थे, जिसमें से भगवान परशुराम जी पांचवें एवं सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान परशुराम जी के गुरु जी का नाम भगवान शिव जी था। आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। भगवान परशुराम जी के शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य और महादानी और धनुर्धर कर्ण का भी नाम शामिल है। भगवान परशुराम जी युद्ध कला में भगवान शिव जी से कलारिया पट्टू नामक कला युद्ध प्राप्त किया था। आपकी अस्त्र है कुल्हाड़ी। आपके धनुष का नाम है सारंग, जो महर्षि ऋचिक से प्राप्त हुआ था। आपका धनुष कमान, जो भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। आइए थोड़ा विस्तृत रूप से हम भगवान परशुराम जी पर प्रकाश डालते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि में हुआ था। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना है, परश और राम। परश का अर्थ कुल्हाड़ी होता है तथा राम का अर्थ राम। इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम का भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से छठवां अवतार है। आप बड़े ही तेजस्वी, ओजस्वी और पराक्रमी रहे हैं। भगवान शिव जी के द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण आप परशुराम कहलाते हैं। आप भगवान शिव जी के अनन्य भक्तों में से भी एक हैं। भगवान परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत और भागवत पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। आपके अहंकारी और धृष्ट हय वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस प्रकार से आपका जन्म पृथ्वी पर बढ़ते हुए अत्याचारों व पापियों के नाश के लिए हुआ था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं। एक बार की बात है, जब आपके माताजी मिट्टी की घड़ा लेकर जल लेने हेतु नदी गई, वहाँ से लौटते समय रास्ते में कुछ देवताओं से उनकी भेंट हो गई, जिसके कारण माता रेणुका को घर पहुंचने में देर हो गई। इधर महर्षि जमदग्नि अपनी योग माया से सब कुछ जान लिया और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों से माता रेणुका का संहार करने को कहा, किंतु सभी पुत्रों का अपने माता के प्रति अतिशय प्रेम था। इस प्रकार चार पुत्रों ने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया, जिससे ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। जब उन्होंने अपने पांचवें पुत्र परशुराम से माता का संहार करने को कहा, तो परशुराम ने तुरंत पिताजी की आज्ञा का पालन किया, जिससे ऋषि जमदग्नि परशुराम से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने अपने माताजी व चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा, तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम जी एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। भगवान परशुराम जी का नाम उन सात चिरंजीवियों में से भी प्रसिद्ध है, जिसमें अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की तरह भगवान परशुराम जी भी अमर हैं। तभी तो वे भगवान राम के काल में भी थे और भगवान कृष्ण के काल में भी, और कल्प के अंत तक वे धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी अजर और अमर हैं। एक बार प्रेम से बोली भगवान परशुराम जी की जय। प्रिय पाठकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको कोटि शह धन्यवाद।